मेरे नहायत ही काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गो मेरे दोस्तों भाइयों बच्चों माओ बहनों बेटियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ सब तो पहले थोड़े को माफी का तलबगार हाँ कि मेरी लेट आने की वजह ना दो तीन घंटे इंतजार करना पे भी गर्मी की शिद्दत लेकिन दिल खुश भी बड़ा है। अज जो जलवा और जो जज्बा देखे थोड़ी मोहब्बत का मेरे को अल्फाज नहीं है कि मैं थोड़ा शुक्रिया किसी ना अदा करा। मैनू लोग बड़िया गल्लां सुनांदे ने माल साडा है माल साडा मैं उन्होंने दसना चाहना आओ देखो माल केड़ा है इना लोगों नू जे तुसी समझो कि इन्हों को खौफ की वजह ना वोट पाना है मैं समझना कि सानू कोई जीन का हक ही नहीं है। खौफ सिर्फ होना चाहिए अल्लाह की जात का होना चाहिए और अल्लाह तो बाद किसी का खौफ नहीं है। असि शरीफ आदमी है असि कोई चोर डकैत नहीं है कि जरा किसी को डर के गल करनी है। शरीफ आदमी जो ललकार फिर अगर खिलौंदा भी कोई नहीं है लिहाजा तुसी मेहरबानी करनी है हमेशा करते आए हो इस दफा थोड़ा जज्बा बोलता पाया छदा गवाह ने मेरे बैठे थे मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरे बच्चे मेरिया मावा भेन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने फजलो करना माल इस दफा अपना फैसला सुना चुके है फैसला शेर पे और शेर इतो कामयाब होगा। जे मेरे महान खेल को भुलेखा है इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन रह गए ने इन्हों 28 तारीख नीकुड़िया दसनगियां कि इतने के वोट है और कौन जितो जितेगा। मैं अपने मुहालफी नू दसना चाहना इथे अल्लाह दे फजल करना जे किसी ने कोई जरूरत भी की थी कोई हरकत करन दी वो जरूरत फिर याद करेंगे अल्लाह दे फजल करना पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने दी है और राइट है अपने जमीन की आवाज के मुताबिक फैसला करके जिन्हें बेहतर समझ लो जे अगर मैं बेहतर हाँ तो मेनू दो तो मेरे तो वो कोई बेहतर है दोनों बजाय मेनू कोई इतराज नहीं है। दूसरा 5 साल तुम पहले भी मेरे से मेहरबानी की है मेनू कामयाब कराया मैं थोड़ा मैंबर बन के थोड़ा नौकर बन के थोड़ी खिदमत की है 5 साल इन्हें मजमे कोई बंदा उठ के दसे कि मैं किसी ने उच्ची आवाज में भी गल की हो गए थे और थाने का परचा कराना तो बड़ी दूर की गल है। असी तो लोगों दया सुलह कराने कतलों दया ताकि दो घर कट्ठिया जोड़ के तो सवाब हासिल करिए नहीं करते कि दोवे घर च तीलियां ला के तो अपनिया दिहाड़ियां बनाइए दिहाड़ियां लाइए असं दिहाड़ियां लाने वाले नहीं हाँ खर्च करके रोटी खुवा के लोगों की सलाह कराने ताकि अपने घर च खुश रह जाके लिहाजा असि ना बदमाशी करने हैं लेकिन करन भी नहीं किसी देंगे दसके तुम देखिया जो दसके जिन्हें जरूरत की थी असि वह चने चपाए ने मुड़के मुंह कदम हो गए नहीं बाहर वह तो दसका से उसे धुंध भी पी सी इतने ना धुंध है तो ना दसका है इतने असि डट के पहला देना है और डट के तुसी अपने जमीर के मुताबिक फैसला करना है और फैसला करना है इस महंगाई के खिलाफ इन्हों चोरों डाकुओं के खिलाफ फैसला करना है। जो 3 महीने 3 साल हो गए ने गवर्नमेंट कर रहे हैं तो इन्होंने थोड़े याद नहीं आए गलियां नालियां अज मोढ़ियां ते पैप चुके देने खंभे चुके देने पैप लुवा लो खंभे लुवा लो सड़कें भी लुवा लो गलियां अगे मैं बैठा से सही बैठसर गया ने पता लगे पे सुतिया पे आके मंदीपुरा लगे सड़क फेर के चल गए सारी पुट चली चंगी भली सड़क अस बलोने में गया पिछले हफ्ते चंगी भली सड़क सी और कल मैं गया बलोने से पता लगे सारी मैं भूते हूंते चूते तुम नहीं कहूंगे है वो हिसाब हो गया कि करना कुछ नहीं उल्टा थोड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा बारिशा हो गई ने तो सारा गंद सारा चिकड़ इन्होंने ने चल जाना चाहना दिना जो मैं प्यो भी नहीं है सड़क बना सकता यह भी मेरे को लिखा लो लेकिन एक तुम मेरे वादा करना है जिते जिते उन्होंने कोई बजर सुटिया कोई पत्थर सुटिया तो वो पुत्र ने मुका के जाने इलेक्शन तो पहले या इलेक्शन के बाद मुका दें तो मैं मान जाऊंगा लेकिन तुम्हें शेर नहीं उसे चुकन की कोई चीज से इन्होंने पत्थर चुकने खड़े नहीं देने उन्होंने तो फिलो करना थोड़ी जिम्मेदारी है जरा चुकन आएगा तुम मैंने दसना मैं आप ही आ जाऊंगा आगे रोक लेंगे मैंने रोकना आंदा है इंशाला पाला पाकिस्तान की अमानत है और तो पैसे समान आया जगह चो नहीं आया लिहाजा कोशिश करो कि मेहरबानी करके अपना
28 तरीक नूं और 25 तरीक नूं चौधरी साग साहब साडे आजाद जम्मू कश्मीर दे उम्मीदवार ने उन्होंने भी पहुंचना से मेरे नाल सी जलसा विच लेकिन उन्होंने एक और जलसा से दूसरी साइड से तो शायद वो लेट हो गए ने उन्होंने माजरत भी कबूल करो तो हाजरी भी कबूल करो और पंजी नूं भी आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन भी मियां नवाज शरीफ के शेरा नूं कामयाब कराओ उन्होंने भी इंतखाबी निशान शेयर है और मेरा भी इंतखाबी निशान शेयर है मेरा इलेक्शन 28 नूं है उस तो पहले परसों विरोध हफ्ता साडे कायद की बेटी मियां नवाज शरीफ जी जिहड़ी इस मुल्क वास्ते इस आवाम वास्ते जेल दलाखा चक्की च रह के आई है दो साल कमून कहन की गल हुंदी है उहदा भतीजा दो साल जेल कट के आया भरा जेल कट के आया बाप जेल कट के आया किस वास्ते सिर्फ इन्हां बाबिया चाचा वास्ते इन्हां मावां वास्ते इन्हां बुजुर्गों वास्ते इन्हां भरावां लई ताकि इन्हां नूं कोई मेहनत ना मारे कि नवाज शरीफ नट गया वह बारह धी ला गया आके सीधा एयरपोर्ट तो जेल दलाखा च गया कोई लीडर नहीं चेंज करता ए जो लीडर बनी बैठा जाए तो बगर ना लाने ना सब तो पहले दौड़बाजी च बाहर और जरा बंदा मैनु यह दसो पहले कि अपने पुत्रां दा औलाद नाल घर ना मुखलस नहीं है तुहाडे नाल कित्थों मुखलस हो सकता है देखो माड़ा होना या अमीर होना गरीब होना यह अल्लाह की देन है लेकिन कोई प्यार मुहब्बत औलाद का दिल चो नहीं कोई हो सकता तो हर बंदे की कोशिश होंगी है कि मेरी औलाद किसी चंगे स्कूल च पढ़े इस्लामिक स्कूल च पढ़े दीन का पता चले ऐ मां बाप का इखलाकी फर्ज है कि बच्चों को दीन की तरबियत दो ऐ दीन की तरबियत देन दे यहूदियों के घर बच्चे पाल के उत्थे यहूदियों की यहूदन गुड्डी है तो वह बच्चे पालती पी है तो पाकिस्तान भी नहीं आते उत्थे जो कर देंगे तो सामने है तुम अजकल सारे फोन देखते हो तुम पता फोन से की आंदा है लिहाजा तुम खुदारा इन्हों लोगों पिछे ना जाओ तुम महंगाई की उस चक्की के खिलाफ जरा महंगाई च हर गरीब आदमी अमीर आदमी मिडल क्लास भी जरा पिसदा पिया औलाद दियां खुशियां तो भी महरूम होंगे ख्वाहिशां नहीं पूरियां करदा पिया तो दूसरी साइड से मां बाप के दुख और तकलीफ ही नहीं देखी जाती जो बीमार ने तो दवाई भी नहीं लिया के दे सकता क्योंकि दवाई जो 500-700 रुपए की आती थी हम 4-4-5-5 हजार रुपए की आ गई है जे मां बाप ने दवाई लिया के दे तो अपनी औलाद को भुख्या मरवा ले वो बेचारे बड़े आजमाइशा च पेजते हैं रिश्ते ऐसे ने क्योंकि मां बाप तो अगर दुनिया तो कोई रिश्ता नहीं है लेकिन औलाद भी अल्लाह ने दी औलाद भी जिम्मेदारियां ने यह फैसले तुम करने ने मेरिया मावा भैन ने करने जो सब तो ज्यादा तकलीफ च गुजार दया ने किचन वो चलानिया ने सिखाना उन्होंने पकाना है सौदे उन्होंने लियाने ने तो इन गलों का वजह ना लोग अज परेशान ने तो लोग अपनी औलादा ना अपने हथा ना मारन दे रहे जरा तीन टाइम रोटी दिता बेचारा एक एक टाइम रोटी देकर गुजारा करता पा दो टाइम रोटी लेके तो जे इन्हों इस तरह ही खुली छुट्टी दिखी तो फिर जो हशरे करते पे ने तिना समय चीता आने वाले दिन च की करेंगे लिहाजा एदा फैसला तो सबूत की परची ने करना है लग जाए कोई लै ना जाए कोई ना हो जाए हूं थोड़ी फसल तैयार है तुसी पासे नु समेटना है संभालना है और उहदा पूरा तुसी पहरा देना है अल्लाह दे फजलो करम नाल ऐ मैं तुहानू गरंटी दिंदा यकीन दवां दिंदा वा इत्थे किसे नू असीं डंडी नहीं मारन देनी ना कोई हेराफेरी करन देनी अल्लाह दे फजलो करम नाल जे इन्हां नू ऐ कोई गलत फहमी है असीं डिस्कस कीता सी ते डिस्कस जो कीता सी इन्हां फिर ओह झूठ फिरिया सी जिहड़ा सियाद होए ਇਹ ਡਸਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦੇ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਚਾਚਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮਲਚਾ ਫਰਮਾਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ मैं सिर्फ तुहानू यह गल दसना चाहना अगे भी असं अल्लाह के फजलों करम ना काम किए हमेशा तुम वोटों नवाजते रहे हो कामयाबिया तो नवाजते रहे हो तो असं कमां तो नठण वाले नहीं हाँ तो ना झूठे हाँ असं जरा कहने वो करके दिने साडे लीडर ने भी इंज ही कहा नवाज शरीफ ने वादा किया कि मैं बिजली पूरी करा और वह करके दिती है उन्हें कहा कि मैं लोड शेडिंग खत्म करा लोड शेडिंग खत्म की उन्हें कहा कि मैं CNG लैना लोग दो घंटे 4-4 घंटे लाने ला के गैस पहुंचते थे वो पूरी करके दी दहशतगर्दी खत्म की इन्होंने देखो जो इन्होंने कोई काम करके दसिया है तो फिर तुम दसो जो इन्होंने कोई मकाया है ये इन्ने जोगे ही नहीं है ए मैं पता लगता पैसे रात सुखिया पे आके लोगों दड़ी जा रहे हैं फुट फुट के रख दिए जंगी भलिया सड़क से वो भी दड़ी छड़िया ने
जो बजरी के ट्रक छुटते पे ने एक एक ट्रक का ना कभी गली बनी है ना सड़क बनी है। यह सिर्फ थोड़िया अखा च मिट्टी पाई है और अल्लाह के फजलो करम ने जरा किसी की अखा च मिट्टी पाने सब तो ज्यादा वाला नाम भी होंगे है। बड़ी चंगी तरह पता है कि की होंगे पे सिर्फ टोपी ड्रामा है डंग टपाते हैं दिन नगाते हैं और जोड़िया पेशियां पहले देंगे थे ना हम पेशियां भी नहीं मिलनिया भी वह भी वापस आ रहे हैं नट नट के उन्होंने ड्रामे दिते थे कि तुम बाकी इतों बाद देंगे हूँ इतों बाद अगले लैंगे इनके इलेक्शन के बाद देंगे इलेक्शनों के बाद किन्ने लभना है किन्ने देने तुम जाना तो वो जाना ना किसी ने फैक्ट्री किसी को बढ़न देना ब्रोकर लगे दरम्यान च इन्ने लै लो ए करा लो और जिम्मे बर्तन ही घड़ी करा लो गड्डी से साइकिल से बंदा पिंडा च दवाई पाना होंगे बर्तन घड़ी करा लो अजकल इन्होंने वो काम शुरू किए है वह पैप चुक के मोढ़िया से पैप पवा लो सीरियस का खंभा लवा लो जी गली बना लो जी और तुम तीन साल पहले कितने तीन साल की तेरी गवर्नमेंट ने और बीबी झंडी झूठती पी उन्होंने यही याद आया कि गलिया भी बनानी तो पैप भी बनाने रोड भी बनाई जाती है। इस वास्ते असं अल्लाह के फजल करम ने जो पहले भी वादे किए ने पूरे किए ने अगर कोई कमी पेशी रह गई सी साडी मुद्दत मुकम्मल हो गई सी अल्लाह के फजल करम ने तुसी गवाह हो उस चीज़ दे चेयरमैन जिला कौंसल वह साडी जमात है छोटा भाई है वाइस चेयरमैन जिला रजा सुबहानी असं अल्लाह के फजल करम ने जिला कौंसल को साडे को इन्ने फंड ने असं तुहाडियां छोटी छोटी बुद्धियां उंज पूरियां कर देनियां राह जांदे ऐ नकासी हो गया सोल हो गया ऐ मसला ही कोई नहीं अल्लाह के फजल करम नाल आसानियां पैदा करिए ताकि जिथे किते बैठो तो फकर ना बैठो तुहानू कोई ताना ना मारे कोई मेहना ना मारे। इस वास्ते कोई इशू नहीं अल्लाह दे फजलो करम नाल असीं जो कुछ हो सकिया तुहाडे कदमां च लिया के निछावर करांगे लिहाजा तुसीं सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी करके ड्रामेबाजी की इतो चुक के अपने दूजे कमों में लैके जानिया ने हूं ठेकेदार भी आए उन्होंने भी छुट्टियां फेर दिए भावे बाजार आए जो भी आगे कहना चाहे कितने काम करना साडा समान है। इस वास्ते खुदारा अपना पोलिंग संभालो भरपूर तरीके यह जंग जंग लड़नी है यह जंग महंगाई के खिलाफ असं लड़ते पे हैं और बंदा पाकिस्तानी शहरी इस वक्त महंगाई की चक्की पिसता पे है और तुसी खुशकिस्मत हो तुसी इस वक्त पूरी दुनिया से पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते पे हो क्योंकि पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम थोड़े मुँह देखती पी है कि सियालकोट इलेक्शन हो रहा है PP 38 की आवाम की फैसला करती है क्योंकि जो फैसला तुसी करना है तुहानू अल्लाह ने इन्ना इख्तियार दिता तुसी एक ठप्पा ला के साबित कर देना उन्होंने ईमाना तक कि नकम्मे ने यह चोर ने डाकू ने इन इस आहल नहीं है कि मुल्क चला सकन लिहाजा इन्होंने कोई साड़ी निजात दिलाई जाए और तुहाडी उस रजीम ने जिन्नी ज्यादा तो ज्यादा लीड होगी उन्नी ज्यादा जोर ना मियां नवाशी बिना मुंह इन्होंने मुंह से जाके तमाचा मारेगा कि चलो बस करो भी तुहाडे कोल हुण कोई हक नहीं है मुल्क दा हुकूमत करन दा। यह इंशाअल्लाह ताला इत्थे इलेक्टेड बंदे आणगे सिलेक्टेड बंदे नहीं हुकूमत करनगे इह मियां नवाशी दी जंग है असीं सारिआं ने उस जंग दे नाल उहदे नाल साबित कदम रहना है। और दूसरा परसों 24 तरीक वाले दिन मियां नवाज शरीफ की बेटी सियालकोट आ रही है असी अकबराबाद चौंक दबुरजी के कोल उत्थे उहदा वालहाना इस्तकबाल करांगे और जलूस तुसी शकल तुसी उत्थे पहुंचो और जलसे नूं कामयाब कराओ ताकि मियां नवाज शरीफ नूं पता चले कि सियालकोट मियां नवाज शरीफ दे शेरां दा शहर है और हमेशा शेर वसदे ने इत्थे शेरां वाले फैसले करदे ने। मैं उम्मीद करदा हां कि तुसी शेरां दा फैसला करके शेर ते मोहर लगा के शेरां नूं कामयाब कराओगे और फतह अल्लाह दे फजल करम नाल तुहाडा मुकद्दर बन चुकी है इह तुहाडी मुहब्बत दसदी पई है ते इंशाअल्लाह तुहाडा दोबारा शुक्रिया अदा करना वांगा पूरे मुहब्बत नाल प्यार नाल जिस जज्बे नाल तुसीं सानूं इलेक्शन ते कामयाब कराओगे उस तो वध जज्बे नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करन वास्ते आवांगे और टाइम लै के आवांगे तुहानूं इंतजार नहीं करावांगे इंशाअल्लाह मैं इन्हां लोकां नाल इजाजत चाहांगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान जोर